ग्राम पंचायत खाला से मुखिया पद की उम्मीदवार सबीना खातून पंचायत में लोगों से लगाई जीत की गुहार। ग्राम पंचायत खाला से मुखिया पद उम्मीदवार सबीना खातून महिला प्रत्याशी अपने पंचायत का दौरा करते हुए पंचायत के लोगों से बताया, मेरे पति सरफराज अंसारी और मेरे सभी साथी, हम लोग लगातार पूरी ईमानदारी के साथ पंचायत में लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व के पति सरफराज अंसारी का कहना है कि सिर्फ एक बार पंचायत का सेवा करने का मेरी पत्नी को अवसर मिले, मैं अपने पंचायत को सही दिशा में ले जाने का काम करूंगा, सरकार की हर योजना जनता तक सीधे पहुंचाऊंगा। उन्होंने बताया, मेरा चुनाव चिन्ह चक्की पर मोहर लगाकर जनता हमारी पत्नी को भारी मतों से विजयी बनाए। जिला गढ़वा से शशि मिश्रा की रिपोर्ट। जो चपानल की प्रॉब्लम है, कूप की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत तरह से समस्याएं हैं, जो सबसे पहले जो गरीबों के हक में जो चीज़ है, जरूर उसको हम देखें। सर, बहुत सब मुखिया प्रत्याशी वादा करते हैं अपने गांव के लोगों से, पंचायत की जनता से, कि मुझे मुखिया एक बार बना दीजिए, फिर मुखिया बनने के बाद वो जनता के वादा को भूल जाते हैं। सर, क्या करेंगे आप, अपने विचार बताइए। जरूर जरूर, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले एक निश्चय होनी चाहिए, एक आत्म में विश्वास होनी चाहिए कि मुझे एक जन कल्याण करना। अगर जन कल्याण के अगर नियत से अगर हम अगर इस राजनीति को अगर देखेंगे तो जरूर कल्याणकारी की काम होगी। और अगर हम डायरेक्टली अगर अपनी विकास, अपनी फंड जनरेट करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर वो विकास नहीं और विनाश होगा। और मैं, हमारे जो ये स्तंभ है, मैं एक युवा हूँ और हमारी ये करियर का स्टार्टिंग यहाँ से है, तो मैं चाहूँगा कि मैं बताना चाहूँगा आपकी चैनल के माध्यम से कि लोगों को आशीर्वाद, दुआ चाहिए मुझे कि ताकि यहाँ से हमारी जो राजनीति के करियर ऊपर तक सफ़र करें। सर, आने वाली 24 तारीख को चुनाव वोटिंग होगा और इस विषय पर आप खास तौर से यहाँ के महिलाओं को क्या जागरूक करना चाहते हैं कि वोटिंग किस पर करें? जरूर जरूर, यहाँ के तमाम हम अपने बहनों माता से मैं अनुरोध करूँगा कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते एक महिला के भी एक रुझान आने चाहिए कि हम अपने एक महिला प्रत्याशी को चुनें। और हमारा ऐसे भी बैकग्राउंड भी अगर लोग देखेंगे तो क्षेत्र में लगातार हम लोगों को सेवा करते आए हैं, उनके साथ जरूर कोई भी परेशानी को हल ढूंढने का काम किए हैं, ये लोगों में ये चर्चा का विषय है। और जो भी मतलब हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, मैं उसको कोई राजनीतिक मुद्दे को देखते हुए नहीं करते हैं, तो हम चाहेंगे कि वोट हमारी पत्नी सभी